कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर कल शुक्रवार 12 जनवरी को थीम पार्क में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मुख्य अतिथि होंगे। इस राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में प्रदेश भर से हजारों की संख्या में लोग शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष एवं कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी व कुरुक्षेत्र के विधायक सुभाष सुधा ने आज थीम पार्क में 12 जनवरी को होने वाले राज्य स्तरीय विवेकानंद युवा महोत्सव की तैयारियों को लेकर अधिकारियों से बातचीत की। इससे पहले सांसद नायब सिंह सैनी, विधायक सुभाष सुधा, उपायुक्त शांतनु शर्मा, एडीसी अखिल पिलानी, भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल राणा, युवा भाजपा नेता साहिल सुधा ने थीम पार्क का निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त शांतनु शर्मा ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर राज्य स्तरीय विवेकानंद युवा महोत्सव का आयोजन शुक्रवार 12 जनवरी को थीम पार्क में किया जा रहा है। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश के हर जिले से लोग शिरकत करेंगे। इसके लिए बाकायदा बसों की व्यवस्था भी की गई है और कुरुक्षेत्र के साथ साथ प्रत्येक जिले में कार्यकर्ताओं की ड्यूटियां लगा दी गई हैं। कुरुक्षेत्र के विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि इस राज्य स्तरीय युवा महोत्सव को लेकर कार्यकर्ताओं की ड्यूटियां लगा दी गई हैं और सभी कार्यकर्ता मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करेंगे, महोत्सव को सफल और यादगार बनाएंगे। इस मौके पर भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य साहिल सुधा, उपाध्यक्ष सुशील राणा, महिला मोर्चा अध्यक्ष परमजीत कश्यप, भाजपा नेत्री अनु माल्यान और अन्य भाजपा के पदाधिकारी और विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। कल स्वामी विवेकानंद जयंती है, उस जयंती को युवा दिवस के रूप में हम सब मनाते हैं। कल हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी युवा दिवस के ऊपर, स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर के ऊपर कुरुक्षेत्र थीम पार्क में आ रहे हैं और हजारों की संख्या में युवा यहां पर भाग लेगा। मैं सभी युवाओं से भी ये बात अपील करना चाहूंगा कि बढ़ चढ़ करके हमारे आदर्श स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को यहाँ पहुँच करके मनाएं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो कार्य किए हैं युवाओं के लिए वो काबिले तारीफ है। आज मन बड़ा गदगद होता है, बड़ा खुश होता है जब मैं ये सुनता हूँ। अभी मैं एक गांव में जीवरेडी में संकल्प यात्रा के अंदर शामिल हुआ था और जब मैं वहाँ पर बात कर रहा था, निमंत्रण दे रहा था, तो मैंने कहा कि बिना पर्ची के बिना खर्ची के आज हरियाणा सरकार में अफसर लग जाते हैं। तो वहाँ के दो व्यक्ति खड़े हुए और उन दो व्यक्तियों ने एक बात कही गांव के कि हमारा एक बेटा पुलिस के अंदर इंस्पेक्टर लगा है, एक बेटी लगी है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि आज मनोहर लाल जी ने जो सिस्टम को बनाया है, आज युवाओं के अंदर जो विश्वास बढ़ा है और युवा अपने आप को सिक्योर समझने लगा है, तो मनोहर लाल जी के कारण आज उनको इतनी सिक्योरिटी महसूस हुई है। नहीं तो पहले वो मेहनत करता था परंतु मेहनत के बाद भी उसको नौकरी नहीं लगती थी, उसको चक्कर काटने पड़ते थे। परंतु आज मनोहर लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार के अंदर युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के आज हरियाणा सरकार के अंदर अधिकारी लग जाते हैं, आज हरियाणा सरकार में नौकरी लग जाते हैं। ये सिस्टम अगर बनाया है तो ये मनोहर लाल जी ने बनाया है। कल स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, मैं सभी युवाओं से अपील करना चाहूंगा कि वो बढ़ चढ़ करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी के विचारों को सुने, स्वामी विवेकानंद जी को जो युवा दिवस के रूप में हम मनाते हैं, क्योंकि ये देश ये युवाओं का देश है और 2047 तक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक विजन हमें दिया है कि विकसित भारत बने और उस विकसित भारत के अंदर हमारे युवाओं की एक बड़ी भूमिका है और युवा जब ठान लेता है तो देश पीछे नहीं रहता। तो सभी युवाओं से अपील है कि बढ़ चढ़ करके इसके अंदर भाग लें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहां पर रहने वाले हैं। जी सर, कल माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, सर क्या कहना चाहेंगे? मैं सर बदल तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, जिनका एक बहुत बड़ा विजन है जिस प्रकार से पूरे हरियाणा में महापुरुषों की सबकी जयंती मनाई जाती है, उसी तरह हमारी अभी स्वामी विवेकानंद की जयंती यहाँ पर कल 12 तारीख को मनाई जा रही है। उसके लिए आज हम सब इनकी तैयारी देखने आए हैं किस प्रकार से, और बहुत बड़ा यूथ के अंदर एक जोश है और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी यूथ को बहुत बड़ा मार्गदर्शन देंगे और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी ये यूथ को यहाँ पर मार्गदर्शन देंगे। तो ये बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर देश स्तरीय पर हो रहा है और मैं कहूँगा हजारों के तादाद में यहाँ पर बच्चे स्टूडेंट पहुँच रहे हैं,
पूरे कार्यकर्ता पहुंच रहे, युवा कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, तो इसके लिए आज हम चाहे देख रहे हैं कि कैटरिंग की व्यवस्था, किस प्रकार भोजन की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाओं को हम यहाँ देख रहे हैं।